प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। अभी हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में रूट 2, रूट 3, रूट 10 और रूट 5 की वैल्यू दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें हमें इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू क्या होंगे, क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। सॉल्व करेंगे तो ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 10 की वैल्यू यूज होने वाला है। राइट, तो ये सब हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 2/√3। अब देखो डिनोमिनेटर में रूट थ्री है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2/√3 है तो रूट ऊपर नीचे हमें रूट थ्री से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2√3/√3 क्या बचेगा, 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 × यहाँ पे रूट थ्री क्या वैल्यू यूज कर लेंगे, 1.732/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसमें क्या होगा, ये 2 × 4, 3 × 6, 7 × 14 का 4, कैरी 1, 2 × 1, 2 × 1, 3, 3.464/3। अब फिर 3 से डिवाइड करके फाइनली आंसर लिख लेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1, ये 1, ये 5 और 4 और बच गया, है ना, 1.154 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सेकंड है हमारा 3/√10। ओके, तो 3/√10 इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो रूट 10 से हमें करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कर दिया हमने, ये क्या हो गया हमारा, 3√10/√10 बचा। राइट, अब यहां से देखिए 3√10 की वैल्यू क्या है, 3.162/10। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 का 8, कैरी 1, 3 × 1 = 3 और 1, 4.33 = 9/10। ओके, अब देखिए नीचे में 10 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9486, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, √5+1/√2। ठीक है, क्या जाएगा, √5+1/√2 × √2/√2। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √5 × √2 ये हो जाएगा +√2/2, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, √5 × √2 तो √10+√2/2। अब देख लेते हैं रूट 10 की वैल्यू 3.162 प्लस √2 का वैल्यू 1.414/2। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7 और 4 × 1 = 5.4/2। ठीक है, अब 2 से इसको अगर हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, है ना, 0.2 × 2 = 4, यहां से क्या बचेगा 1, तो 17, तो ये क्या गया 8, 16 और ये 8, 2.288 आ क्या जाएगा हमारा आंसर। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √10+√15/√2। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10+√15/√2। इसको ऊपर नीचे हमें रूट टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, है ना, डेसिमलाइजेशन के लिए कर दिया, तो क्या हो जाएगा, √10 × √20+ ये क्या हो जाएगा, √30/, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो ये क्या बचेगा हमारा, 2। ओके, अब यहां पे देखिए √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, है ना, √4, है ना, प्लस अब ये 30 है, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 3, √10 × √3 या √10, इस तरीके से लिख लिया हमने, अपॉन ये क्या आ जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√5+ यहाँ से क्या आ जाएगा, √10 × √3/, है ना, ये क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ से 2 × √5 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2.236 प्लस
रूट टेन की वैल्यू 3.162 इंटू रूट थ्री की वैल्यू 1.732 अपॉन टू। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ऐड करके टू से डिवाइड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है 2+√3 अपॉन 3, 3 है रूट 3 है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन 3 है। ओके ये तो बहुत इजी है, फिर तो इसमें रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले सिंप्लीफाई है। 2+√3 की वैल्यू जितना है 1.732 अपॉन 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3.732 अपॉन 3, इसमें डिवाइड लगा दीजिए तो 1.232 6, यहाँ से 1 बचा 13 तो ये आ जाएगा 4, है ना। फिर यहाँ से 1 बचा 12 √2 - 1/√5 है ना। तो इसमें √2 - 1/√5 है, तो इसको ऊपर नीचे हमें √5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा √10, 2 × √2 × √5 करेंगे तो √10 - √5 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से √10 की वैल्यू रख देंगे, √10 की वैल्यू क्या आ जाएगी है ना 3.162 -√5 का 2.236 अपॉन 5। अब इन दोनों को सेपरेट करके जो आएगा है ना, फिर उसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो गए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले मैं ये रफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रेशनल डिनोमिनेटर्स। ओके पहला है 1/3 + √2। ओके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, 1/3 + √2 इसको रेशनलाइज करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे आप खुद से ही कर लेंगे, राइट। तो आपको एक समझने की जरूरत है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है 1/3 + √2, तो इसको तो आप पहले लिख लीजिए 3 + √2। अभी तक हम सिर्फ यहाँ पे एक नंबर होता था कोई एक, पहले √2 हुआ तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो रेशनलाइज हो जाता था, लेकिन अब दो है ना। तो इसका अगर हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम से जो नंबर है उसी से हमें मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन साइन बदल देना है। यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस से। जैसे यहाँ 3+√2 है तो 3 - √2 से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ 3+√2 से रेशनलाइज करते हैं, ना यहाँ प्लस है तो हमने साइन सिर्फ साइन चेंज किया, बाकी सारे नंबर वही है। ओके तो इसको हमने रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - √2। ओके अब नीचे देख लीजिए आप, 3+√2 × 3 - √2, तो a+b × a - b, a+b × a - b क्या होता है a² - b² तो a के जगह पे क्या है 3, तो हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस b के जगह पे क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। ओके ये क्या हो जाएगा 3 - √2 अपॉन 3 × 3 = 9, माइनस यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 - √2 अपॉन 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√6 - √5, देखते हैं सेकंड 1/√6 - √5। ओके तो पहले तो आप सेम लिख लीजिए 1/√6 - √5। अब यहाँ पे देखिए सेम से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से, तो √6 + √5 हो जाएगा ये। ओके √6 + √5 लिख लिया। अब इसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही आएगा, ऊपर में क्या गया √6 + √5। नीचे देखिए a - b × a + b है ना, a² -
बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे रूट सिक्स, रूट सिक्स का होल स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे रूट फाइव, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन सिक्स माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन वन इक्वल टू रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। ये आ गया हमारा आंसर, कितना सिंपल है। एक अगर समझ में आ गया तो बाकी सारे आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अपॉन, थर्ड है 16 अपॉन रूट 41 माइनस 3। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ 41 माइनस 5 है, रूट 41 माइनस 5। ठीक है, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये 16 अपॉन ये क्या हो जाएगा रूट 41, यहाँ माइनस 5 है तो प्लस 5 से, सॉरी पहले तो मैं सेम लिख लेता हूँ, है ना। अब यहाँ माइनस 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट 41 प्लस 5 से हमें ऊपर नीचे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, रूट 41 प्लस 5। ओके, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 16 इंटू रूट 41 प्लस 5, है ना, इस 16 से पूरे मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। नीचे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए के जगह पे क्या है रूट 41, है ना, 41 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 16 इंटू रूट 41 प्लस 5 अपॉन ये क्या आ जाएगा 41 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये आएगा 16 इंटू रूट 41 प्लस 5 अपॉन 41 माइनस 25 करेंगे तो क्या जाएगा 16, तो 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा रूट 41 प्लस 5 आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए पहले हमें रफ करना पड़ेगा, ऊपर से मैं रफ कर देता हूं, ये भी रफ ही कर देते हैं, इसका क्या काम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 30 30 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5, 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। ओके, ये है, इसको हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं 30, पहले तो हम लिख लेंगे इसका 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करना है, तो यह क्या हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। ओके, ऊपर नहीं लिखेगा तो मैं सामने लिखता हूं, ये हो जाएगा 30 इंटू 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन, अब यहां से देखिए तो ये क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 3 से का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 बार आएगा, माइनस 3 3 9 इंटू यहां से 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, 30 इंटू 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 25, 3 75 माइनस 45, है ना, ये क्या है 30 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। अब इन दोनों का सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हमारा आ गया 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, ये आ गया क्या हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हो रहे हैं, है ना, सब एक ही जैसे हो रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट है 1 अपॉन 2 रूट 5 माइनस रूट 3,
क्वेश्चन नंबर 5 है 1 अपॉन 2 रूट 5 माइनस रूट 3। ओके इसको करना है, इसको भी अभी करते हैं। यहां नीचे में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 रूट 5 माइनस रूट 3 है ना। तो पहले तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 रूट 5 माइनस रूट 3। ओके अब यहां पे सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, 2 रूट 5 प्लस रूट 3, और ये क्या होगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3। इसे हमने क्या क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3 है ना, और ये क्या आ जाएगा यहां पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन ये क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 3 3 जा नहीं रूट 3 है तो सिर्फ 3 बचेगा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 4 5 जा 20 माइनस 3 इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं 2 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 17 आंसर। ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे हो जाएगा, 7 8 9 सब के सब ऐसे ही हो जाएंगे राइट। तो आप खुद से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा है ना, मुझे मैसेज कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू।